2023 जस्ट एंड होने वाला है और इस साल बहुत सी मूवीज़ रिलीज हुई हैं, लेकिन बहुत सी मूवीज़ फ्लॉप भी हुई हैं। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उन 10 मूवीज़ की जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं 2023 में। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि ये मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है या नहीं, और उसके साथ में कौन सी कंपनी विनर रही है, क्योंकि डिज्नी की मूवीज़ पिछले काफ़ी सालों से टॉप पे रही हैं, चाहे उनकी एंड गेम हो, क्योंकि MCU डिज्नी के अंडर आता है। उसके साथ में DCU यानी कि वार्नर ब्रोस की मूवीज़ भी बहुत पैसे कमाती थी, लेकिन इस साल सभी सुपर हीरो मूवीज़ बहुत बुरी तरह पिटी हैं। तो आखिर इस लिस्ट के अंदर कौन सी कंपनी की मूवी सबसे टॉप पे रही है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। 10th मूवी है मिशन इम्पॉसिबल 7 यानी कि डेड रेकनिंग पार्ट 1, और ये मूवी मिशन इम्पॉसिबल के इतिहास की सबसे महंगी मूवी है, क्योंकि इस मूवी का बजट $291 मिलियन था, यानी 2425 करोड़ रुपए था, जितना तो बहुत सी मूवीज का कलेक्शन होता है, लेकिन उतना इस मूवी का बजट है। और इस मूवी ने सिर्फ $567.5 मिलियन कमाए हैं, यानी कि 4730 करोड़ कमाए, और इस मूवी को ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए कम से कम 600 मिलियन तो कमाने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं कमा पाई। लेकिन उसके पीछे ये रीजन नहीं कि ये मूवी बहुत ज्यादा खराब है, उसके पीछे रीजन है कि बारबी और ओपनहाइमर इस मूवी के रिलीज के टाइम पे रिलीज हो गई थी, जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक, सारी ऑडियंस उन दोनों मूवी की तरफ डाइवर्ट हो गई थी, और इस मूवी को इतना एक्सपोजर नहीं मिला, इस वजह से ये मूवी ज्यादा अच्छा खासा कलेक्शन नहीं कर पाई है। लेकिन ये मूवी फ्लॉप भी नहीं हुई है, और इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि 8th पार्ट भी डेफिनेटली आएगा, 2025 में आई थिंक आएगा। और इस मूवी की जो कंपनी है यानी कि इस मूवी को ओन करती है पैरामाउंट कंपनी, और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। 9th मूवी है द लिटिल मॉमेड, जो कि एडवेंचर फैमिली मूवी है, और द लिटिल मॉमेड की जो एनिमेटेड मूवी थी उसी का ये एक लाइव एक्शन एडेप्टेशन है, मतलब कि स्टोरी बिल्कुल सेम है। स्टोरी की बात करें तो कहानी दिखाई गई एक जल परी की, जो कि एक प्रिंसेस होती है, बहुत बड़ा साम्राज्य होता है पानी के अंदर, लेकिन इस लड़की को यानी कि मॉमेड को एक ह्यूमन, एक इंसान से प्यार हो जाता है जो कि एक प्रिंस होता है। अब उसके प्यार में किस तरह पानी से बाहर निकलती है ब्लैक मैजिक की मदद से, और क्या कुछ होता है, वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना है। काफी अच्छी मूवी है, हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। इस मूवी का बजट $250 मिलियन था, यानी 2083 करोड़ रुपीज था, और इस मूवी ने $569.6 मिलियन यानी 4747 करोड़ रुपीज कमाए हैं, मतलब कि ये मूवी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं रही है, लेकिन कम से कम अपना बजट तो निकाल ही लिया, और ये मूवी डिज्नी की है। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7.2 out of 10 IMDb पर। 8th मूवी है द वंडरिंग अर्थ 2, ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है और वंडरिंग अर्थ का सेकंड पार्ट है। इस मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको द वंडरिंग अर्थ मूवी से भी पहले की कहानी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल इनिशियल स्टेज की कहानी दिखाई गई है, जहाँ पे पृथ्वी का जो सूरज है वो धीरे धीरे करके मर रहा होता है, जिसकी वजह से सभी देश मिलकर निर्णय लेते हैं कि वो लोग पृथ्वी को इस सोलर सिस्टम से निकाल के एक दूसरे सोलर सिस्टम में शिफ्ट करेंगे, जो यात्रा पूरे 2500 साल की है, और जिसके लिए बहुत बड़े बड़े थ्रस्टर्स का यूज किया जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, जिसमें बहुत सारे पैसे लगने होते हैं, और मिशन बहुत ज्यादा चांसेस है कि अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो ऐसे में इतने बड़े प्लान को किस तरह एग्जीक्यूट किया गया, वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। काफी अच्छी मूवी है, मैंने भी देखी है। इस मूवी का बजट $162.14 मिलियन था, यानी कि 1351 करोड़ रुपए था, जो कि काफी बड़ा बजट है, और इस मूवी ने $604 मिलियन यानी 5037 करोड़ रुपीज कमाए हैं, मतलब कि ये मूवी काफी प्रॉफिटेबल रही है। और ये एक चाइनीज मूवी है, क्योंकि इस मूवी को ओन करती है चाइना फिल्म ग्रुप कॉर्पोरेशन। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 6.9 out of 10 IMDb पर, और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। 7th मूवी है फुल रिवर रेड, ये एक कॉमेडी ड्रामा हिस्ट्री मूवी है। जिस मूवी के अंदर हमें क्या कहानी देखने को मिलती है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मूवी इंडिया के अंदर रिलीज ही नहीं हुई है, बाहर के देशों में रिलीज हुई होगी, क्योंकि ये एक चाइनीज मूवी और हिंदी में भी अवेलेबल नहीं है। इस मूवी का बजट $69.98 मिलियन था, यानी 583 करोड़ रुपीज था, और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $673.5 मिलियन यानी 5640 करोड़ रुपीज का। अब चाइनीज मूवी के बहुत ज्यादा कलेक्शन करने के पीछे का रीजन ये है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमसे ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ के लोग हैं वो हमसे बहुत ज्यादा अमीर हैं, इसी वजह से वहाँ के ज्यादातर लोग थिएटर्स में जाके मूवी देखते हैं, और इनकी मूवीज को दुनिया भर में रिलीज भी किया जाता है, इसी वजह से इनकी मूवीज ज्यादा कलेक्शन कर लेती हैं। लेकिन सबसे बड़ा हाथ इनकी मूवीज के ज्यादा पैसे कमाने के पीछे इन्हीं के लोगों का हाथ होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इनिशियल बूस्ट इनकी मूवीज को दे देते हैं, और दुनिया भर में वैसे ये लोग रिलीज करते हैं ये मूवी। और इस मूवी को भी चाइना फिल्म ग्रुप कॉर्पोरेशन ही ओन करती है, वही इस मूवी की मालिक है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.5 out of 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, ये मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी का सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट इसका आने वाला है। इस मूवी का बजट $150 मिलियन था, यानी 1250 करोड़ रुपए था, और इस मूवी ने $690.5 मिलियन यानी 5754 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया, जो कि एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, और ये मूवी काफी सक्सेसफुल हुई है, पहली मूवी से भी ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। इस मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो इस मूवी को देखने से पहले आपको इसकी पहली मूवी देखनी होगी, बस ऊपर ऊपर से आप ये जान लें कि अगर आपको स्पाइडरमैन की मूवीज पसंद है तो इस मूवी के अंदर आपको मल्टीवर्स और बहुत सारे स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और इस मूवी को सोनी कंपनी ओन करती है। नेक्स्ट मूवी है फास्ट एक्स, जो कि एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, और ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का 10th पार्ट है, और इस मूवी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। इस मूवी का
का बजट 340 मिलियन डॉलर था, जो कि एक मैसिव बजट होता है, मतलब कि 2833 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट था। इस मूवी ने 704.8 मिलियन डॉलर यानी 5874 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि एक डिसेंट सा कलेक्शन है, बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं है, लेकिन फ्लॉप भी नहीं हुई है। और ये पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आधी स्टोरी बताई गई है, जहां पे एक बहुत खतरनाक विलन इमर्ज हो गया फास्ट एंड फ्यूरियस 5 से। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस 5 देखी है तो उसी मूवी का एक विलन अब फास्ट एंड फ्यूरियस 10 के अंदर आ गया, जो कि हमारे हीरोज का दुश्मन बन चुका है, वो इन लोगों को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। ऐसे में हमारे हीरोज किस तरह अपने आप को और दुनिया को बचाते हैं, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको 5.8 की रेटिंग मिली है। अक्सर इनकी मूवीज को कम ही रेटिंग मिलती है, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। इस मूवी को ओन करती है यूनिवर्सल कंपनी। फोर्थ मूवी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो कि एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज का थर्ड पार्ट है और एमसीयू की सुपर हीरो मूवी है। इस मूवी का बजट 250 मिलियन डॉलर था यानी 2083 करोड़ रुपीज था, और इस मूवी ने अभी तक 845.5 मिलियन डॉलर यानी 7047 करोड़ रुपीज का कलेक्शन किया है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है रॉकेट रकून की, जिसकी जान एक बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि एडम वॉरलॉक ने बहुत बुरी तरह जख्मी किया है रॉकेट रकून को। अब हमारे हीरोज को किसी भी तरह रॉकेट को बचाना है, लेकिन उसको बचाने के लिए इनको रॉकेट के पास्ट में जाना होगा, यानी कि जानना होगा रॉकेट के बारे में, क्योंकि उसके बिना ये लोग किसी भी कीमत पे रॉकेट को ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमारे हीरोज किस तरह रॉकेट को ठीक करते हैं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी हॉटस्टार पे अवेलेबल है। इस मूवी का रेटिंग्स 7.9 out of 10 IMDb पे, लेकिन ये मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज की जो पहली दो मूवीज है उनकी जितनी अच्छी नहीं है, या कहें तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की सबसे अच्छी मूवी उसकी सबसे पहली मूवी है। तो जो लोग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी सीरीज के फैन है, वही लोग इस मूवी को देखें, उन्हीं को बहुत अच्छी तरीके से ये मूवी समझ में आएगी। और इस मूवी को ओन करती है डिज्नी कंपनी, क्योंकि जो एमसीयू है वो डिज्नी के ही अंडर आता है। थर्ड मूवी है ओपनहाइमर, जो कि एक बायोग्राफी मूवी है, और ये जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की बायोग्राफी है, जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था अमेरिका के लिए, और इस मूवी को डायरेक्ट किया क्रिस्टोफर नोलन ने। और जिस मूवी के साथ क्रिस्टोफर नोलन का नाम जुड़ जाता है, वो मूवी तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाती है। इस मूवी का बजट सिर्फ 100 मिलियन डॉलर था यानी 833 करोड़ रुपए था, और इस मूवी ने 952 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया यानी कि 7934 करोड़ रुपीज का कलेक्शन किया, जो कि एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। और ये मूवी काफी सक्सेसफुल रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है, और ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स मिले हैं 8.4 out of 10 IMDb पर, और इस मूवी को भी यूनिवर्सल ही ओन करती है। सेकंड मूवी है द सुपर मारियो ब्रोस मूवी, ये एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है, और इस मूवी के बारे में तो हर कोई जानता होगा। इस साल की सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अगर कोई एनिमेटेड मूवी रही है तो वो यही मूवी है, क्योंकि इस मूवी का बजट सिर्फ 100 मिलियन डॉलर था यानी 833 करोड़ था, लेकिन उसके बाद भी इस मूवी ने 1.361 बिलियन डॉलर कमाए हैं। बिलियन डॉलर, 11,346 करोड़ रुपए कमाए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और बहुत ज्यादा मैसिव हिट हुई है ये मूवी, और ये मूवी यूनिवर्सल की ही मूवी है। अगर बेसिक स्टोरी की बात करें तो कहानी दिखाएगी हमारे हीरोज की, जो लोग प्लम्बर होते हैं, और ये लोग प्लम्बर की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग जाते हैं एक ऐसे शहर में जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भर गया, पूरा शहर पानी के अंदर डूब रहा है। ये सोचते हैं ये जाएंगे और पूरे शहर को बचा लेंगे, लेकिन इतने में ये लोग एक दूसरी दुनिया के अंदर ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब उस दुनिया के अंदर क्या कुछ होता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7 out of 10 IMDb पर। फर्स्ट मूवी है बारबी, जो कि एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें बारबी की कहानी देखने को मिलती है। वैसे मैंने इसका रिव्यू कर रखा है आई बटन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि अभी मूवी हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर आ गई है। और इस मूवी को देखने से पहले ही सवाल मन में जरूर होगा कि आखिरी मूवी है कैसी, तो उस रिव्यू को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको इस मूवी को देखना है या नहीं। इस मूवी का बजट 100 मिलियन डॉलर था यानी 833 करोड़ रुपए था, और इस मूवी ने 1.441 बिलियन डॉलर यानी कि 12,017 करोड़ रुपए कमाए, जो कि बहुत ज्यादा होता, और ये मूवी अगेन बहुत ज्यादा सुपर हिट हो गई है। और अब बात करें कि इस लिस्ट का विनर कौन है, तो इस लिस्ट का विनर है यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल की तीन मूवीज हैं, जिसमें पहली आती है फास्ट एक्स, फास्ट एंड फ्यूरियस 10, ओपनहाइमर और सुपर मारियो ब्रोस। उसके बाद दूसरे नंबर पर डिज्नी, क्योंकि डिज्नी की दो मूवीज हैं द लिटिल मर्मेड और साथ में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। उसके बाद सेकंड नंबर पे ही है चाइना फिल्म कॉर्पोरेशन, क्योंकि इनकी अगेन दो मूवीज हैं वंडरिंग अर्थ 2 और फुल रिवर रेड, ये दोनों मूवीज इनकी हैं। तो दूसरे नंबर का जो स्थान है वो टाई हो गया, और बाकी जितनी मूवीज हैं वो सब एक एक मूवीज हैं अलग अलग कंपनीज की हैं। तो इस लिस्ट का विनर रहा है यूनिवर्सल, डिज्नी सेकंड नंबर पे और चाइना फिल्म कॉर्पोरेशन भी सेकंड नंबर पर ही है। और अगर आप कुछ बहुत कमाल की मूवीज देखना चाहते हैं ना हिंदी लैंग्वेज में, वो भी नेटफ्लिक्स पे, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसके अंदर आपको 9 बहुत कमाल की मूवीज मिल जाएंगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में।